वेलकम बैक डियर्स फ्रेंड्स इन आवर चैनल स्टडी मंत्रास विद आदित्य। डियर्स फ्रेंड, इसमें हम पॉलिटी यानी कि संविधान, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने पिछले कुछ वीडियो से हमने शुरू किया है भारतीय न्यायिक व्यवस्था को। और इसके अंतर्गत हमने पिछले वाला जो वीडियो रहा उसमें हमने ये समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो हमारे देश में विभिन्न न्यायालय हैं और उनमें जो विभिन्न न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्तियाँ की जाती हैं और उनकी नियुक्तियां करने के लिए किस प्रकार के सिस्टम हमारे देश में भी वर्क में हैं। तो हमने देखा कि उसमें एक सिस्टम है जिसका नाम है कोलेजियम सिस्टम, जो कि एक विवादित व्यवस्था है जिसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायालय के न्यायाधीश खुद ही करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट उनके न्यायाधीश खुद ही मिल करके करते हैं, हाई कोर्ट के अपने करके करते हैं मिल करके। तो एक विवादित व्यवस्था है, यानी कि आप खुद ही नियुक्त कर रहे हैं अपने संस्था में लोगों को। तो जाहिर सी बात है, पॉसिबिलिटी यही बनेगी कि जाहिर से ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयास करेंगे कि उनके सगे संबंधी जो उनके जान मतलब उनके जानने वाले हैं वही लोग आए इस व्यवस्था में, ताकि उनका भी बना रहे फ़ायदा और उनका जो लोग आ रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो। तो इस वजह से आप देखते हैं लगभग 52% लोग न्यायिक व्यवस्था में जो क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है, जो न्यायाधीश हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इस तरह की चीज़ हमें देखने को मिलती है। चलिए, हमने सारे डायमेंशन उस पर देखें, जो कोलिजियम सिस्टम आपका रहा उसमें हमने सब कुछ देखा, और जो NJAC की बात की उसमें भी हमने देखा कि सरकार जो है क्या इसके लिए सुधार करना चाहती है और वह सुधार जो सरकार करना चाहती थी वह सुधार किन कारणों से लागू नहीं हो पाया। आप देखेंगे फिर न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप किया और इन सभी मुद्दों को हमने देखा। तो एक मेंस का टॉपिक आपका है और काफ़ी एक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमने उसको कवर किया पिछले वीडियो में। अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से न्यायाधीशों की पद पर जो है नियुक्ति की जाती है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से न्यायाधीशों की पद से मुक्ति की जाती है, यानी कि उनको अपने पद से जो हटाया जाता है, पद से मुक्त किया जाता है। एक तो नॉर्मल प्रोसीजर है कि भाई 65 ईयर्स तक अगर आप रह लेते हैं तो फिर आप हट जाते हैं, चलिए वो तो एक नॉर्मल है। उसके अलावा अगर अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखें कि कैसे इसे हटा सकते हैं, कैसे न्यायाधीश को उसके पद से बिफोर द टाइम हम हटा सकते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे एबडिकेशन की बात करेंगे, हम इमानसिपेशन की बात करेंगे, पदमुक्ति जिसे हम कहते हैं हिंदी में। देखिए, उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय दोनों की बात करें तो दोनों के जो न्यायाधीश होते हैं इनको पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 124(4) में दी गई। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जो उच्चतम न्यायालय है इसके बारे में जो प्रक्रिया है वो आपके आर्टिकल 124(4) में दी गई है, और उच्च न्यायालय वाली बात हम अभी आगे करेंगे, ठीक है। तो इन्हें दो आधारों पर हटाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे कि दो रीज़न होने चाहिए और उन्हीं दो रीज़न के बेसिस पे आप जो न्यायालय में न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से हटा सकते हैं। जो सबसे पहला रीज़न है वो है साबित कदाचार, प्रूव्ड मिस बिहेवियर। प्रूव्ड मिस बिहेवियर का क्या तात्पर्य है, जैसा कि आप शब्द पे अगर गौर करें, एक होता है आचार, एक होता है कदाचार, मतलब कि एक होता है कि आचरण आपका सही है, जिस प्रकार का आपका पद है पद के अनुसार पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए आपका आचरण हो रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिहेव अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन जब पद की गरिमा के विपरीत जाते हुए आपका आचरण जब बेहतर नहीं रह जाता है, कदाचार में बदल जाता है, तो फिर उसे कहते हैं मिस बिहेवियर, मतलब अकॉर्डिंग टू द पोस्ट यू आर नॉट परफॉर्मिंग। तो यहाँ पे जो मिस बिहेवियर हो जाएगा इसे हम कह देंगे प्रूव्ड मिस बिहेवियर। तो अगर इस तरह की कंडीशंस आती, इस तरह की अगर बातें आती हैं सामने, तो फिर इस आधार पे आप किसी न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से मुक्त कर सकते हैं। वो प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया भी हम बाद में देखेंगे, पहले अभी हम देख रहे हैं कि कौन से ऐसे दो आधार हैं, हमारे सामने एक कंडीशंस मिलते हैं जिन कंडीशंस के बेसिस पे हम उसे उनके पद से हटा सकते हैं। दूसरा जो आपका है वो है असमर्थता, यानी कि अक्षमता, इंग्लिश में इसे कहें तो इनइफिशियंसी या फिर हम इनकैपेसिटी कह सकते हैं। इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि भाई आप अपने पद पर रहते हुए उस पद के अकॉर्डिंग कार्य करने में सक्षम रही नहीं गए, मतलब कि जो उस पद की मांग है आप उस पद की मांग को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आप एक न्यायालय में एक न्यायाधीश हैं लेकिन आप न्यायाधीश का जो कार्य है उस कार्य को करने में आप असक्षम हैं, यानी कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी नहीं है कि आप एज ए जस्टिस वहाँ पे आप वर्क एज ए जज आप वहाँ पे वर्क कर सकें। तो ये आपके अंदर क्षमता नहीं रहेगी, आप गलत निर्णय देते हैं, आप सही निर्णय नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर सामने रखा जाएगा, अगर ये सब कंडीशंस आ जाएंगी, तो इनमें से किन्हीं आधारों के होने पर हम उसके ऊपर जो है पदमुक्ति का कार्य शुरू कर सकते हैं। देखिए, कई लोग इसे कहेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया मतलब चलाई जाती है, कहने में बोलचाल की भाषा में आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो आपके
न्यायाधीश होते हैं उनको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, लेकिन लेकिन आपके संविधान में कहीं भी महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए आप इस शब्द का इस्तेमाल करने से बचें। महाभियोग की कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है। हाँ, साबित कदाचार या फिर असमर्थता, असक्षमता, अगर ये स्थिति है तो फिर हम इस आधार पर न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। तो ये अभी हमने देखा कि दो वो आधार कौन से हैं जिनके आधार पर हम जो न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से हटा सकते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के आधार पर द्वारा इनको इनके पद से हटाया जाएगा। ध्यान से देखेंगे एक एक शब्द को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रक्रिया अगर ध्यान से समझ लेंगे तो प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। ऐसा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और दो शर्तें यहाँ पे पूरी होनी चाहिए। पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन यानी कि राज्यसभा में भी या फिर लोकसभा में भी इनमें से किसी भी एक सदन में प्रस्ताव लेकर आया जा सकता है, और उस प्रस्ताव के लिए सबसे पहले दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या क्या? पहली शर्त की अगर हम बात करें तो यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, मान लीजिए कि प्रस्ताव को लेकर शुरू जो किया जाता है वो लोकसभा से शुरू किया जाता है, तो वहाँ पे कम से कम 100 सदस्य जो है उसमें हस्ताक्षर करेंगे, तभी वह प्रस्ताव जो है आगे क्या करेगा, आपके सभापति उसको एक्सेप्ट करेंगे, मूव करेगा, फिर अगले सदन में ये सब चीज़ें होंगी। या फिर अगर मान लीजिए कि राज्यसभा में लेकर आया जाता है, ठीक है, तो 50 सदस्य, मतलब कि राज्यसभा में है तो 50 सदस्य, लोकसभा में है तो कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। जब तक इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहली कंडीशन जो है इसमें अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं प्रस्ताव लाया जाएगा तो उस प्रस्ताव पर गौर नहीं किया जाएगा, यानी कि जो अध्यक्ष होगा, जो सभापति होगा, उस पर गौर नहीं करेगा। ठीक है, तो ज़रूरी है कि लोकसभा में लाते वक्त 100 सदस्यों का हस्ताक्षर हो या फिर राज्यसभा में लाते वक्त 50 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। अब देखिए, अब जब ऐसा होगा तो दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई जज को 14 दिनों का नोटिस दिया जाए कि भाई साहब आपके ऊपर जो है तथा कथित महाभियोग की प्रक्रिया हम चलाने वाले हैं, यानी कि आपको अपने पद से हम हटाने वाले हैं। ठीक है, उसको नोटिस दिया जाए, उस क्या रीज़न है, नोटिस में बताया जाएगा उसको कि भाई इस रीज़न के आधार पर हम आपको आपके पद से हटाने वाले हैं। अब देखिए, जब ऐसा होगा, मान लीजिए कि यह प्रस्ताव है चाहे किसी भी सदन में आ गया, चाहे लोकसभा में आया, चाहे राज्यसभा में आया, 100 या फिर 50 सदस्य ने उसको सहमति दे दी, तो अब हुआ लोकसभा में है तो अध्यक्ष के पास, राज्यसभा में है तो सभापति के पास जाएगा। अब ये क्या करेगा, प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। ठीक है, मतलब प्रस्ताव, इतने सदस्यों ने अगर हस्ताक्षर कर दिया तो प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाएगा अध्यक्ष या फिर सभापति के द्वारा। अब अध्यक्ष या सभापति के द्वारा क्या किया जाएगा, 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाएगा। ध्यान रखें कि अगर लोकसभा में गया तो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष समिति का गठन करेगा, राज्यसभा में अगर गया तो राज्यसभा अध्यक्ष सभापति समिति का गठन करेगा, इसको ध्यान रखेंगे। सॉरी, तो हम बात कर रहे हैं कि अब अध्यक्ष या फिर सभापति क्या करेगा, एक समिति का गठन करेगा। अब देखिए, जब समिति का गठन हो गया तो फिर क्या होगा, समिति गठन किया जाएगा, उसमें सदस्यों की संख्या होगी 3। ध्यान रखेंगे कि सदस्य जो समिति गठित की जाएगी इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जो प्रस्ताव आया है किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए, उस समिति में सदस्यों की संख्या 3 होगी। जो पहला सदस्य होगा वो एक अध्यक्ष के तौर पर होगा, और यह सदस्य उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश हो सकता है, चाहे वो CJI हो चाहे वो CJI ना हो, माने कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो मान ली सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश हो गया जो कि क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा उस समिति का। सेकंड जो पर्सन होगा वो पर्सन होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, और ध्यान रखेंगे जिस भी उच्च न्यायालय का वो न्यायाधीश होगा वहाँ पे वो मुख्य न्यायाधीश के तौर पे कार्यरत होना चाहिए, न कि कोई दूसरा न्यायाधीश, यानी कि सामान्य न्यायाधीश नहीं होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। पारंगत विधिवेत्ता, एक ऐसा व्यक्ति जिसको विधि, लॉ इत्यादि, कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी है, जो इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छा होल्ड रखता है, वह होगा थर्ड मेंबर के तौर पर। तो टोटल 3 मेंबर होंगे इस समिति में, जो क्या करेंगे, उस प्रस्ताव पर विचार करेंगे कि क्या सच में इस व्यक्ति पर, जो कि एक न्यायाधीश के तौर पर इस न्यायालय में कार्य कर रहा है, क्या यह दोषी है या फिर यह दोषी नहीं है, यानी कि यह निर्दोष है। अब देखिए, समिति जब ये काम करेगी, समिति जांच कर लेगी, जांच करने के बाद यदि 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 समिति निर्दोष पाती है उस न्यायाधीश को, तो प्रस्ताव वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, अब पार्लियामेंट्रियन इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है कि किसी व्यक्ति के कोई न्यायाधीश है तो उसके सही होने या फिर गलत होने का वहाँ पे वो क्या कर सकें, मतलब निर्णय ले सकें, तो जाहिर सी बात है किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर चुना जाएगा जो कि इन सब क्षेत्रों में पारंगत हो। तो आप देख रहे हैं कि जो समिति बन रही, समिति में जो है
कुछ ऐसे ही न्यायाधीश हैं। तो अब जब समिति को अगर लगता है कि नहीं, ये जो प्रस्ताव आया है इनके खिलाफ ये सही नहीं है, असल में यह न्यायाधीश निर्दोष हैं, इनको इनके पद से नहीं हटाया जाना चाहिए, अगर ऐसा समिति ने डिसीजन ले लिया तो फिर वह प्रस्ताव वहीं गिर जाएगा, प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा, प्रस्ताव को आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। बट सेकंड कंडीशन अगर हम देखें तो उसमें हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति दोषी मान लिया जाता है समिति के द्वारा जांच में, तो अब प्रस्ताव सदन में लेकर आया जाएगा फिर से, ठीक है? उस प्रस्ताव को उसी सदन में लेकर आया जाएगा जिस सदन में से वह प्रस्ताव शुरू किया गया था, ठीक है? मान लीजिए लोकसभा से शुरू किया गया था, लोकसभा में फिर प्रस्ताव लेकर आया गया जाएगा। हुआ क्या था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में हुआ यह था कि प्रस्ताव लोकसभा में लेकर आया गया, सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए, तो फिर अध्यक्ष ने वह प्रस्ताव क्या किया, मतलब मान लिया, सहमति दी उसको, फिर उसको एक 3 सदस्यीय समिति के हवाले कर दिया। समिति ने जांच की, अपनी जांच के आधार पर उसने रिपोर्ट दी, बताया कि ये निर्दोष हैं, फिर अगर निर्दोष हैं तो प्रस्ताव गिर गया, निर्दोष नहीं है तो फिर आगे क्या किया, सदन में फिर से प्रस्ताव को लेकर आया। अब जब फिर प्रस्ताव सदन में आ गया तो अब क्या होगा कि सदन में इस पर वोटिंग होगी, विशेष बहुमत, द्वितीय प्रकार का जो विशेष बहुमत है उस पर क्या होगी वोटिंग, मतलब उसी के आधार पर वोटिंग की जाएगी। अब आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जो विशेष बहुमत है द्वितीय प्रकार का, ये क्या है? मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, एकदम स्टार्टिंग में बताया आपको मैंने, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके जस्ट बाद मुझे लगता है बताया मैंने आपको प्रियम्बल इत्यादि के बाद। तो आप इसे बताएंगे कमेंट में कि सेकेंड टाइप का जो आपका स्पेशल मेजोरिटी है वह क्या है। तो अब क्या होगा कि जिस सदन से प्रस्ताव शुरू किया गया था उस सदन में प्रस्ताव को फिर लेकर आया जाएगा और उस सदन से प्रस्ताव को विशेष बहुमत, द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत से पारित करना होगा, अगर यह पारित हो गया, ठीक है? देखिए अगर पारित नहीं हुआ तो प्रस्ताव फिर वहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर पारित हो गया तो प्रस्ताव क्या करेगा, अब यह प्रस्ताव मूव करके दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में भी यही होगा, यही होगा यानी कि दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से पारित करना होगा। अब अगर दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से पारित हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो प्रस्ताव वहां गिर जाएगा फिर। तो मान लीजिए कि प्रस्ताव पारित होगा दूसरे सदन से भी, तो अब वह प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति जो है इस पर सहमति दे देंगे कि ठीक है, इस व्यक्ति को हम इसके पद से पदमुक्त करते हैं। तो प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। हमने कहा स्टार्टिंग से अगर एक ब्रीफ आइडिया लें तो पहले क्या होगा कि लोकसभा में आएगा तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए प्रस्ताव पर, राज्यसभा में आएगा तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। और उसके बाद क्या होगा कि 14 दिन का नोटिस देना होगा आपके न्यायाधीश को जिनको हटाना है। उसके बाद फिर जांच समिति बैठाई जाएगी अध्यक्ष सभापति के द्वारा, 3 सदस्य होंगे उसमें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कोई होंगे, सीजीआई भी हो सकते हैं, सामान्य भी हो सकते हैं, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक पारंगत विधिवेत्ता होंगे और ये जांच करेंगे। अगर ये जांच में पाते हैं दोषी तो फिर सदन में फिर वापस प्रस्ताव आएगा, विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सहमति दे दिया तो फिर वह व्यक्ति पद से मुक्त हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायाधीश को जो है पदमुक्त किया जाएगा। तो इसे मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें थोड़ा समझ लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हैं कि जो अभी तक हम जो मत बात कर रहे हैं इसका, पदमुक्ति की बात कर रहे हैं, तो नोट करें आप यहाँ पे कि अभी तक एक भी जज पदमुक्त नहीं हुए हैं। मतलब इतने साल हो गए हमें अपनी डेमोक्रेसी में और अभी तक कोई भी जज जो है अपने पद से पदमुक्त नहीं किया गया, तो ये एक बड़ी बात है। 2 बार केसेस आए थे पदमुक्ति के, मतलब महाभियोग तथाकथित महाभियोग चलाने की बात 2 बार की गई थी लेकिन असल में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्या हुआ था, एक बार वी रामास्वामी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, 1990 का केस है ये, समिति ने दोषी पाया इनको, ठीक है, कि ये भाई दोषी हैं, और फिर वो संसद में मामला फिर वापस आता है लेकिन संसद में वो पारित नहीं हो पाता है। अब जब संसद में पारित नहीं हो पाएगा जाहिर सी बात है प्रस्ताव गिर जाएगा, जज बच जाएगा। फिर एक केस आया था आपका सौमित्र सेन का, कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज थे, समिति ने इनको भी दोषी पाया कि आप भी दोषी हैं, और फिर ये राज्यसभा में अपना पक्ष रखा इन्होंने कि भाई नहीं, मतलब मैं दोषी नहीं हूँ। लेकिन देखिए हुआ था क्या इनके केस में कि राज्यसभा ने मान लिया था कि नहीं आप दोषी हैं और आप जो है तर्क दे रहे हैं अपने निर्दोष में, मतलब कि अपने सफाई में, वो तर्क आपके सही नहीं है। तो इनको लग गया था, सौमित्र सेन साहब को ये लग गया था कि अब जो है यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा और मैं भारतीय न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में पहला ऐसा न्यायाधीश बनूंगा जो कि अपने पद से जबरदस्ती हटाया गया, ठीक है? तो न्यायपालिका की किरकिरी ना हो, न्यायाधीशों की गरिमा को ज़्यादा चोट ना पहुंचे, तो इसके लिए इन्होंने जो है स्वयं ही त्याग पत्र दे दिया कि नहीं ठीक है भैया, मत हमको पद से हटाइए, जबरदस्ती मत भेजिए, हम खुद ही चले जाते हैं, ठीक
ठीक है, तो ये बेचारे खुद ही जो है त्यागपत्र दे दिए, तो ये केस आया। तो मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए तो अभी तक एक बार भी कोई भी जज अपने पद से पदमुक्त नहीं किया गया है, क्लियर। तो ये डीएसपी ने समझा कि किस प्रकार से एक जज को उसके पद से हटाया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से एक जज को उसके पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी टिपिकल है, उसी प्रकार से थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें भी है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप दोनों को ये दोनों अच्छी तरह से समझाने समझाने का प्रयास किया गया, ये दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा उसकी शक्तियाँ। क्षेत्राधिकार या फिर शक्तियाँ ऑब्लिक शक्तियाँ कर सकते हैं, दोनों बात सेम ही है। तो क्या क्षेत्राधिकार हैं, कहाँ कहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय जो है शक्ति रखता है, अधिकार रखता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा हम करेंगे। इस वाले वीडियो हम देखेंगे अभी केवल एक पॉइंट के माध्यम से, मतलब कि क्या क्या बातें हैं इसमें। अगला जो हमारा वीडियो का उसमें हम इसमें मतलब रिटन फॉर्म में देख लेंगे कि क्या क्या हैं, कौन कौन, जैसे कि हम बात कर स्टार्ट करते हैं कि शक्तियाँ जो क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का कहाँ कहाँ है। तो इनको हमने टोटल देखिए कितने पॉइंट में बांटा हुआ है। एक पॉइंट आपका ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा आपका देखिए ये है, चौथा ये है, और टोटल पांच, यानी कि पांच क्षेत्रों में हम इसको बांट रखे हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, फाइव यहाँ पे फील्ड है। पहले में हम कहते हैं कि प्रारंभिक या फिर आरंभिक क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ। जो प्रारंभिक यानी कि आरंभिक होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप न्यायालय में जाइए। कौन से न्यायालय में? सर्वोच्च न्यायालय में। मतलब कि आपके पास जो प्रारंभिक या फिर आरंभिक जो क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ हैं, इसमें होता क्या है कि जो भी मामले हैं इसके अंतर्गत, उसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ मामले तो ऐसे हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में ही वो मामला जाएगा, आप किसी कोर्ट में नहीं जाएगा, तो ये बात हो जाती है वहाँ पे। तो इसमें हम बात करेंगे कि वे ऐसे मामले जो कि डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं आप, उन मामलों को हम प्रारंभिक या फिर आरंभिक क्षेत्राधिकार की सबसे पहले इन मामलों पर जो है अधिकार है वो किसका है? सुप्रीम कोर्ट का, कोई हाई कोर्ट का नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए इसमें एक अनन्य है, दो बना गया, एक अनन्य है, एक समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। तो जो अनन है जिसको कि हम एक्सक्लूसिव कहते हैं, तो ये और जो समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दोनों को दो भागों में बांटा गया है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें, अगर देखिए सबसे पहली बात ये कि केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, और अंतर राज्य संबंध मतलब दो राज्यों के बीच में संबंध है, या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बातें हैं। अगर देखिए ये तीन मामले कुछ ऐसे हैं कि इनको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही लेकर आया, मतलब कि अनन्य है, ठीक है। ये जो शक्ति है किसी भी हाई कोर्ट के पास नहीं है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध की बात हो, दो राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच संबंधों की बात हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी बात हो, तो ये मामले केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए जाएंगे और किसी भी कोर्ट में नहीं। तो एक अनन्य हो गया, अनन्य अधिकार इसमें हो गया। दूसरा जो इसी का टाइप है जिसमें कि आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं डायरेक्ट, वो आपका है मौलिक अधिकार, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है कि फंडामेंटल राइट से संबंधित अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसको आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। ये आपको जो है क्या किया गया है, अधिकार प्रदान किया गया है। अब मेरा आपसे दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, दूसरा प्रश्न यह है कि आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट मौलिक अधिकारों को लेकर जाने का जो अधिकार है, वह अधिकार आपको संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रदान किया गया है? मतलब डायरेक्ट एक्सेस टू द सुप्रीम कोर्ट आपको किस आर्टिकल के माध्यम से दिया गया है, मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट के संबंध में, ठीक है, ये बताना है आपको। तो दो क्वेश्चन आपको मैंने अभी तक पूछ लिए हैं। चलिए एक हमने बात कर ली प्रारंभिक या फिर आरंभिक क्षेत्राधिकार, और इसमें जो है किस प्रकार से मतलब कि मामले जो कौन कौन से मामले जो कि डायरेक्ट केवल सुप्रीम कोर्ट में ही लेकर जा सकते हैं और कहीं नहीं लेकर जा सकते हैं, तो इन मामलों को हमने देखने का प्रयास किया, ठीक। चलिए अब बात करें दूसरा जो हमारा पॉइंट है जिसमें हम बात करें संवैधानिक। देखिए संवैधानिक का मतलब सीधा सीधा है कि वे मामले जो कि मतलब संविधान में जिनके बारे में बात की गई है, संविधान के मामले में जो प्रश्न करते हैं, संविधान से संबंधित कोई क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर जो हाई कोर्ट है ऐसा प्रमाणित कर दे कि ये जो मामले हैं संवैधानिक है। दो बातें हो सकती हैं, यानी कि एक बात ऐसा होता है कि भाई उसमें लग सकता है कि संविधान के बिना इस मामले को जो देखा नहीं जा सकता, मतलब कि संविधान के आधार पर इस मामले को ही हल किया जाएगा, संविधान के संबंध भी ये मामला जो प्रश्न करता है, तो आपको ये मामले आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट कह दे कि नहीं मामला जो है संवैधानिक है और ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जा सकता है, लेके जाना चाहिए, तो फिर हाई कोर्ट अगर कहता तो भी आ सकता है, ठीक है, तब भी आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके आ सकते हैं। और दूसरा मामला जो है दीवानी की बात करते हैं, देखिए एक तीर आया नीचे से, ऊपर से नीचे तीर आया, तो दीवानी, दीवानी के आप जानते हैं कि अगर कोई ऐसा मामला है जो कि संसद के किसी कानून के द्वारा, मतलब संसद ने कोई कानून पारित किया और उससे संबंधित है,
और उसके संबंध में प्रश्न किया जा रहा है, जनहित से संबंधित है, तब ये मामला एक दीवानी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ जा सकता है, या फिर कोई दीवानी मामला सुप्रीम कोर्ट में तब लेकर आ जा सकता है जब वो हाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया हो कि आप जो है इसे अब सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, मतलब प्रमाणित कर दिया हाई कोर्ट ने कि ये मामला जो है आप ऊपर ले जा सकते हैं। और उसके बाद आपराधिक की बात करें तो आपराधिक मामलों में भी सेम वही बात होती है कि मान लीजिए कि आपने जिला न्यायालय में जाके केस दायर किया और वहाँ से आपको जो है सज़ा मिल गई, फिर आप क्या कहेंगे, अब हम लेकर जाएंगे इसको हाई कोर्ट में। आप हिंदी पिक्चरों में बहुत डायलॉग सुनते होंगे, जब कोई छोटे वाले कोर्ट में हार जाता है तो फिर कहता है अब मैं इसे हाई कोर्ट उठाऊंगा, फिर कहता है हाई कोर्ट के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट उठाऊंगा, फिर दूसरा जो हीरो रहता है कहता है कि इस कोर्ट में तो बच जाओगे लेकिन सबसे बड़ी कोर्ट से तुम्हें कौन बचाएगा। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि कोई ऐसे मामले मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे जो सज़ा दे दी है, फिर वो गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी सज़ा मिल गई, तो उसके बाद फिर वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो उस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया। कुछ मामले जो हैं विशेष अनुमति के मामले होते हैं, विशेष अनुमति से अपील के मामले होते हैं, उनकी बात अगर हम करें, देखिए कुछ इसमें ऐसे मामले होते हैं जिसमें कोई जनहित से संबंधित कोई बात होती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है खुद ही कहता है कि भाई हम इस मामले की संज्ञान खुद ही ले रहे हैं, मतलब हम खुद चाहते हैं कि इस मामले को दायर किया जाए, इस मामले में अपील की जाए, इस मामले संबंधित एक याचिका, जनहित याचिका दायर की जाए। तो जब इस मामले संबंधित कोई जनहित याचिका दायर की जाती है तो उसको हम कहते हैं विशेष अनुमति याचिका। हम ये सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे लिखे तरीके से, मतलब लिखित फॉर्म में पढ़ेंगे हम, अभी बस थोड़ा सा हम एक ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, आप जी बिल्कुल भी चिंता ना करें कि बस ऐसे बता के छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा, किया जाएगा। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि विशेष अनुमति के बाद फिर आप देखें सलाहकारी क्षेत्राधिकार। देखिए आप सभी जानते हैं कि भाई आपका जो राष्ट्रपति है, मतलब मेरा भी राष्ट्रपति है, तो वह राष्ट्रपति जो है समय समय पर जब उसको किसी भी विषय पर सलाह लेनी होती है, किसी भी कानूनी विषय पर सलाह लेनी होती है, संवैधानिक विषय पर, तो वह क्या करता है, अपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मिलता है, सीजेआई से बुलाता है, उनसे सलाह लेता है। अब ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जो सलाह उनसे ले उसको माने ही माने, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन लेता है, तो वो सलाह क्षेत्राधिकारी भी है, मतलब सलाह लेने के लिए ये क्या है, एक प्रमुख है। फिर हम कहते हैं अभिलेख न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार। देखिए अभिलेख न्यायालय का मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसको सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है देश के, और दूसरी बात उसका जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को रिकॉर्ड करना भी जरूरी है, रिकॉर्ड करने का भी अधिकार है, तो ये भी एक उसी के रूप में आता है। बस यही चीज़ें हैं। फिर पुनर्निरीक्षण अधिकार की बात करें तो ये न्यायालय अपने डिसीजन देता है, तो फिर से कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर से अपने डिसीजन में चेंजेस करता है, उसका फिर से जाँच इत्यादि करता है। तो ये डियर फ्रेंड्स कुछ सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ हैं, किन किन मामलों में अनन्य अधिकार रखता है, किन किन मामलों में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक एक्सेस करते हैं, और कब कब संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक, विशेष अनुमति से, इन सब मामलों में आप देखते हैं कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर उससे बाद आप सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, तो ये कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे लिखित फॉर्म में। अभी हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया इसके बारे में। जो मेन टॉपिक था आपके आज के लेक्चर में उसमें यह था कि किस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उनके पदों पर, तो उसको हमने देख लिया। ठीक है डियर फ्रेंड, ये रहा आपका आज का वीडियो जिसमें हमने चर्चा की न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में और न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। आई होप आपने ये वीडियो पसंद किया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं अच्छा लगा तो बेझिझक डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।